दोस्तों क्रेडिट कार्ड पाने के तीन तरीके रहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ होता है, आईटीआर या सैलरी स्लिप होती है, तो आपको बड़ी आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलता है। और इसमें दूसरा जो तरीका रहता है वो है एफडी के बेस पे। अगर आप किसी भी अमाउंट का 10-20 हजार या 30 हजार के अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। जितने साल के आप एफडी करोगे उतने साल तक आपका क्रेडिट कार्ड चलता है। जैसे आप एफडी क्लोज करोगे वैसे आपका क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा। और इसमें तीसरा जो तरीका रहता है, बैंक आपको प्रे अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर देता है। वो किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है, कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती है आपके अकाउंट में, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ना ही मेरे पास आईटीआर है, ना ही मेरे पास सैलरी स्लिप है, फिर भी मेरे पास ये 4 क्रेडिट कार्ड है। एचडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, उसके जो लिमिट है 95,000 है। और एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक के मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, उसकी जो लिमिट की अगर बात करें मिला के तो 90,000 उसकी लिमिट है। तो लगभग अगर हम ये मुझे कैसे मिला, तो मैं कितना बैलेंस मेंटेन करता था। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो मैं एक्सिस बैंक में मैं 10,000 रुपये मेंटेन करता था, और एचडीएफसी बैंक में मैं 20,000 रुपये मेंटेन करता था। और मेरा जो डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करता था, मतलब जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस करता था तो उसका जो पेमेंट है मैं तुरंत करवा देता था, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं करता था। और कभी भी मैं फ्यूल डलवाने गया तो भी उसका जो पेमेंट है मैं अपने डेबिट कार्ड से ही करता था। होटल पे गया तो भी अपने डेबिट कार्ड से उसको जो पेमेंट था स्वाइप करता था अपना डेबिट कार्ड। एक्चुअल में मैं क्या करता था, फंड ट्रांसफर ज्यादा करता था। मेरे अकाउंट में मैं पैसे डिपॉजिट करता था और मैं मेरे भाई के अकाउंट पे पैसे उसको ट्रांसफर करता था, फिर मेरे भाई के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता था, किसी दोस्त के अकाउंट में मैं मेरे ट्रांसफर करता था पैसे, और दोस्त से अकाउंट से मेरे अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर करता था। तो मेरे अकाउंट में मैं ज्यादा से ज्यादा भी फंड ट्रांसफर भी करता था क्रेडिट कार्ड का ऑफर आने के लिए। और मेरे अकाउंट पे कुछ लोन भी चल रहे थे, जैसे कि बजाज फाइनेंस का लोन चल रहा था, एंड दूसरा जो लोन चल रहा था जो कि जेस्ट मनी का लोन चल रहा था, उसके भी मैं रीपेमेंट टाइम टू टाइम करता था। इसकी वजह से मेरा सिबिल भी अच्छा खासा था, 750 के आसपास था। इस वजह से भी मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ सकता है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड का जल्दी ऑफर आ गया। तो ये चीजें आप कीजिए अपने अकाउंट में, ज्यादा से ज्यादा आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए शॉपिंग करने में या फ्यूल डलवाने में, होटल पे गए या टिकट बुक करने पे, आप ज्यादा से ज्यादा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए तो आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाता है। क्रेडिट कार्ड का जो प्रे अप्रूव्ड ऑफर है वो कौन सा बैंक आपको जल्दी देता है, तो एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक बहुत लेट देता है। मुझे 1 साल हो गए, एक या 1.5 साल मेरा पुराना अकाउंट है अभी फिलहाल के लिए। मुझे अकाउंट पे मुझे प्रे अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया है। जो मेरा HDFC बैंक का अकाउंट था वो 3 मंथ ही पुराना था, तो ही मुझे HDFC ने क्रेडिट कार्ड का प्रे अप्रूव्ड ऑफर दिया था। HDFC बैंक बहुत जल्दी क्रेडिट कार्ड का ऑफर आपको दे देता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा HDFC बैंक में ट्राई कीजिए। HDFC बैंक में आप सिल्वर सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें 10-20 हजार रुपये मेंटेन कीजिए। 10-20 हजार के आप नीचे अकाउंट में बैलेंस मत आने दीजिए, और डेबिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग में, फ्यूल डलवाइए, होटल बुकिंग पे, ये सब चीजें की दे तो आपको ऑफर जल्दी आ सकता है क्रेडिट कार्ड का। तो इसी प्रकार से मैंने क्रेडिट कार्ड का मुझे ऑफर आए थे, बाकी कुछ नहीं ज्यादा नहीं किया था मैंने। तो बहुत सारे कमेंट वगैरह आ गए थे कि क्रेडिट कार्ड का मैं इतना बैलेंस मेंटेन करता हूँ फिर भी मुझे क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आ रहा है। तो आप एक बार बैंक से भी कॉन्टेक्ट कीजिए कि मैं इतना बैलेंस मेंटेन वगैरह करता हूँ फिर भी मुझे आप क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, तो वो आपको बता देंगे कि आपको आपके अकाउंट में क्या क्या करना है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।